बसमिल स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक जो है वो न्यूक्लियर साइजेस का है देखें रदर जो स्पेक्ट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था इसने आ, जो एविडेंस दिए उसके न्यूक्लियर के साइज़ का एविडेंस वो ये था कि न्यूक्लियर ई आर साइज इन रदर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इंसिडेंट अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो जो डिफ़्लेक्ट होता था ड्यू टू किस वजह से उसमें डिफ्लेक्शन आई थी कूलम्स रिपल्शन जो रिपल्शन है उसकी वजह से उसमें डिफ्लेक्शन आई थी एंड ही डिटरमाइंड द डिस्टेंस ऑफ एक्सेस बिटवीन द एक्सेस बिटवीन दैम अबाउट टेनपर माइनस फोटीन मीटर और जो डिस्टेंस था वो आलमोस्ट कितना काउंट हुआ टेन एक्सपर माइनस फोरटीन मीटर जो है वो काउंट किया गया दैट इज़ द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस फॉर स्मॉलर सेपरेशन द प्रोडिक्शन ऑफ कूलम्स लॉ आर नॉट ओबेड बिकॉज द न्यूक्लिय नो लॉन्गर अपीयर्स एज पॉइंट चार टू द एल्फ़ा पार्टिकल अगर इससे स्मॉल uh, हो सेपरेशन तो कूलम्स लॉ जो है वो ओबे नहीं होगा अब देखें रदर फोर जो था उस वक्त बहुत सारे उसने एक्सपेरिमेंट किए परफॉर्म uh, करने के लिए ताकि वो उसकी डायमेंशन न्यूक्लियर की डायमेंशन जो है वो क्लियर हो सके और बहुत सारे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो हैं वो चार्ज एज़ वेल एज न्यूट्रल पार्टिकल के ज़रिए से उसने वो एक्सपेरिमेंट किए अगर uh, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी यूज़ किए न्यूट्रॉन्स भी फास्ट uh, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो थे आर आइडियल फॉर दिस पर्पस सीन्स एन इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट विद द न्यूक्लियस ओनली थ्रू अलेक्ट्रिकल फोर्स इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से इंटरेक्ट होता है वो इलेक्ट्रिकल फोर्सेज से इंटरेक्ट होता है वाइल न्यूट्रॉन इंटरेक्ट किस तरह से होता है स्पेसिफिकली न्यूक्लियर फोर्स से इंटरेक्शन उसकी होती है दस इलेक्ट्रॉन्स कैटरिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द न्यूक्लियस वाइल न्यूट्रॉन्स कैटरिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मैटर जो इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग थी जो कि उसमें उसने न्यूक्लियर जो था न्यूक्लियस के बम्बार्ड करा इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड किया और उसकी स्कैटरिंग जो थी वो किस वजह से थी उसके जो चार्ज जो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो था उसकी इंफॉर्मेशन देती थी जबकि न्यूट्रॉन जो था न्यूट्रॉन की स्कैटरिंग क्या इंफॉर्मेशन दे रही है वो न्यूक्लियर मैटर की इंफॉर्मेशन दे रही है अगर दोनों हम देखते हैं दोनों केसेस में इन बोथ केसेस, द डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल लेमडा इज इक्व टू एच ओवर पी दैट मस्ट बी स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस और ये जो डिब्रोगली जो वेवलेंथ है लेमडा एच ओवर पी ये डिब्रोगली की वेवलेंथ यह स्मॉलर होनी चाहिए दैन द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस जिसको हम स्टडी कर रहे हैं नोइंग द इन मोमेंटम पी टेकिंग लेमडा ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेनस्ट्रो माइनस फोर्टीन मीटर अगर हम लेमडा की बेवलन टेनस्ट्रो माइनस फोर्टीन मीटर ही लेते हैं दैट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस उसके हिसाब से ही अगर हम कंपेरेबल टू दैट लें हम वैल्यू तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कैन बी डिटरमाइंड हैंस इलेक्ट्रॉन विद एनर्जीज एक्सीडिंग 124 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड न्यूट्रॉन विद एनर्जीज मोर देन ऐट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर सूटेबल फॉर एक्सप्लोरिंग न्यूक्लियर डायमेंशन देखें जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी 124 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है और न्यूट्रॉन जो हैं उनकी एनर्जी एट मेगाट्रॉन से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो वो सूटेबल होंगे न्यूक्लियर की डायमेंशनस के कि न्यूक्लियर जो है उसमें क्या क्या पाया जाता है और उसका डायमीटर कितना है इन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द साइजेस ऑफ़ द न्यूक् इलेक्ट्रॉन ऑफ सेवरल हंड्रेड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू ओवर 1 गेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 गेगा 10 एच पार 9 अलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ ट्वेंटी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड अबव हैव बीन यूज्ड ये जो है हमारे जितने एक्सपेरिमेंट किए गए उसका न्यूक्लियर का साइज़ देखने के लिए इलेक्ट्रॉन जो हैं बहुत सेवरल हंड्रेड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसके इलेक्ट्रॉन उसको बम्बार्ट किए गए और ओवर वन गेगाक्ट्रॉन वोल्ट न्यूट्रॉन जो हैं और ट्वेंटी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हैं ऑफ़ न्यूट्रॉन जो हैं वो यूज़ किए गए फॉर दैट एक्सपेरिमेंट फॉर दैट पर्पस स्टूडेंट दीज फिगर्स आर आल वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज आल्सो सो नेक्स्ट वी विल स्टडी